नमस्कार साथियों, अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना केसेस जो हैं वो 10 लाख के पार हो चुके हैं और जिस तेजी से वो बढ़ रहे हैं, और सरकार तो आप जानते ही हैं कि आपको और मुझे कह चुकी है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, यानी कि हमें अपनी देखभाल खुद करने की ज़रूरत है। आप अवश्य जानना चाहेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं वर्ल्डोमीटर में कोरोना के केसेस के बारे में। आप जानते हैं, शुरुआत में मैं आपको केसेस के बारे में बताया करती थी, मगर फिर उसके बाद लगा कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उम्मीद थी कि हमारी सरकार संभाल लेगी केसेस, मगर जब नहीं कर पाई तो बेहतर यही हो गया कि उसके बारे में बात ना किया जाए। तो 10 लाख के पार हमारे केसेस हो गए हैं, 19,78,000 केसेस करीब ब्राज़ील के, और आप जानते ही हैं कि यूएसए तो नंबर वन पे है ही, 36 लाख के पार है। 36.5 लाख का आंकड़ा वो पहुंच रहा है, 36.5 लाख के आंकड़े पर। केसेस जो हैं इस तरह से यदि बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा, ये आपको और मुझे इसके बारे में सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा कैसे करें। साथियों, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जिस प्रकार से कोरोना सरकार जो है वो संभाल नहीं पाई है, इनका कोरोनेशन हो गया है। कोरोनेशन मतलब होता है जब मुकुट पहनाया जाता है ना किसी राजा को, तो कोरोनेशन कहते हैं, और हमारी सरकार तो कोरोना से कोरोनेट कर दिया इन्होंने भारत को। और जिस स्पीड के साथ ये बढ़ रहे हैं, इससे साफ है, आपने वो बजाई थी ताली थाली, आपको याद है वो ताली थाली बजाना, वो मोमबत्ती टॉर्च जलाना, वो फूल पत्ती लोगों के ऊपर बरसाना, डॉक्टरों के ऊपर, और ये सोच लेना कि जिस तरह से महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों में समाप्त हो गया, तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोरोना जो है वो 21 दिनों में समाप्त हो जाएगा तो हो जाएगा। किस प्रकार से उस समय इनको भी अंदेशा शायद नहीं था, और किस प्रकार से इन्होंने एक समुदाय के लोगों को, और समुदाय भी नहीं कहूँगी, एक ग्रुप जो था लोगों का, उन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी, जबकि सच्चाई ये है कि अगर बॉर्डर सील हो गए होते, इंटरनेशनल बॉर्डर सील हो गए होते और कोई भी फ्लाइट्स नहीं आती, और जो लोग बाहर से आते उनको ढंग से क्वारंटीन करा जाता, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती, तो आज हम ये नहीं भुगत रहे होते। तो कोरोना के केसेस 10 लाख के पार हो चुके हैं और सरकार के पास इससे निपटने का रास्ता अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर रास्ता होता तो वे हमें बताते, परंतु क्या उन्होंने बताया है? अभी तक तो किसी ने नहीं बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये बता रही हैं कि आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। ना तो इन्होंने कोई प्रिकॉशंस लिया। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता क्या बोल रहे थे, इनको ये इनकी पार्टी के दिग्गज हैं, ये असली के दिग्गज नहीं हैं, ये अपने आप को दिग्गज समझते हैं, क्योंकि अंधों में काणा राजा तो कोई भी हो सकता है, और बदतमीजी से बात करना ये सोचते हैं केवल इन्हें आता है, आता हमको भी है। बस ये है कि हम इनके जैसी बदतमीजी नहीं करते, जिस तरह से जब आप टीवी पे इन्हें देखते हैं ना, कांग्रेसियों के साथ या दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, क्योंकि ये सत्ता में है, ये सत्ता में अपना होश गवा बैठे हैं। किस प्रकार से राहुल गांधी ने जब कहा था कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत पूरे तरीके से आएंगे, सुनामी आने वाली है, अर्थव्यवस्था पर इफ़ेक्ट होगा, जब ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे थे तो इनके मंत्रीगण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बेशर्म कहीं के, और कह रहे थे गधा समझ रखा क्या, गधा समझ रखा क्या कि हाँक दिया तो हाँक दिया जाएगा, नहीं, बेवकूफ़ समझ रखा है। इन्होंने ये कह दिया था बेशर्मों ने कि ये डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो डर है ना, ये घर पे पहुंच गया। बताओ बेशर्म, बैठे थे मंत्री हो और बैठे थे और ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अब जवाब दो। और इन्होंने इस कोरोना काल का इस्तेमाल किया है अपने बदले की राजनीति के लिए। जिस प्रकार से इन्होंने, आपको याद है कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया, जिसकी वजह से लॉकडाउन को डिले किया, और जिस तरह से लॉकडाउन इन्होंने अनाउंस किया, मतलब आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप एक लोकतंत्र के
प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं है, राजा नहीं है और ना कभी इस देश के राजा आप बन सकते हैं। और वैसे भी जो अनपढ़ व्यक्ति अपने आप को बताता है, जो कहता है मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ और हार्वर्ड में नहीं करता, तो हमें उसकी हार्डवर्क की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल झूठा है, वो केवल फेंकता है और झूठ बड़े बड़े बोलता है। 15 लाख मिले, क्या काला धन वापस आया? चलिए 15 लाख की बात भूल जाइए, काला धन वापस आया? आप बताइए, पेट्रोल डीजल का आपने देख लिया कि क्या हाल हो गया, या वो समझ में नहीं आया आपको? शायद ये पता नहीं है, और मैं ये आपको बताना अवश्य चाहूँगी आज कि जो बातें आज करी जा रही हैं ना, उसमें बहुत कुछ सोचने समझने की बातें हैं। क्या है सोचने समझने की बातें? कि पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल से बढ़ गए, और ये सरकार क्या कर रही है, ये उसमें से पैसा कमा रही है। ये जो टैक्स है, ये आपको कोरोना के समय में आपके ऊपर टैक्स का बोझ डाल रही है। बहुत सारे बेवकूफ़ गधे भक्तों ने आके कहा कि चाइना के साथ जो सिचुएशन आई है उसके लिए हमारी सरकार को पैसा चाहिए। तो बुड़बकों, मतलब हमारे ऊपर टैक्स लेकर पैसा चाहिए? इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं और ये बना रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग, वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्या? बेवकूफ हो, बेवकूफ। गोबर भूसा गौमूत्र क्या भर रखा है अपने सिर में आप लोगों ने, जो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें आपने हम लोगों को सुनाई। अब आपको मैं एक आंकड़ा भी दे देना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि आप आंकड़ों को सुने, क्योंकि भाई हो सकता है कि मैं झूठी बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि भक्तों को तो लगेगा ही कि मैं झूठ बोलती हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि इनके अलावा तो किसी के पास सच्चाई के सच्चाई बोलने के लिए है नहीं, और केवल एक ही व्यक्ति है जो इनके हिसाब से सच्चाई बोलता है, वो कितना भी झूठ बोले ये सोचते हैं, ये जानते भी हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर ये चाहते हैं कि हम उनकी हर बात का विश्वास करें। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो अकलमंद है ना, इनको कोई ये बता दे कि पेट्रोल के जो दाम है वो क्या है, पेट्रोल के दाम कहाँ पे क्या हो गए हैं, ये इन्हें बताने की आवश्यकता है। और अगर ये नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पे दाम क्या हो गए हैं, तो इनको हम ही बता देते हैं, आप क्या कहते हैं? क्या इनको बताने की ज़रूरत है? इनको ज़रूरत है ये जानने के लिए कि जिस पेट्रोल डीजल की बात हो रही है उसमें श्रीलंका और नेपाल में पेट्रोल हमारे यहाँ से जाता है, ठीक है, भारत से जाता है। भारत में पेट्रोल के दाम मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, भारत में पेट्रोल के दाम ₹88 पर लीटर है, एक लीटर का दाम कितना, 88 रुपीज़, 88 कहते हैं ना 88 को, और नेपाल में पेट्रोल का दाम है ₹60 प्रति लीटर। जहाँ सीता मैया जहाँ से आई थी, ये माना जाता है ना कि बेटी और बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का क्या कौन सा पता नहीं कौन सा रिश्ता बता रहे थे, रावण की लंका में पेट्रोल ₹65 लीटर है, सीता मैया के नेपाल में पेट्रोल ₹60 प्रति लीटर है, और राम भगवान के भारत में इन्होंने पेट्रोल के दाम ₹88 प्रति लीटर बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंका और नेपाल में भारत से पेट्रोल जाता है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपके पास कुछ कहने के लिए है? अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, आपने देखा होगा मैंने कुछ वीडियोस डाली भी हैं, मध्य प्रदेश के गुना में जो कैंट थाना क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार दलितों की पिटाई करी गई। मैं जानना चाहती हूँ इनसे, और आपको भी ज़रूरत है पूछने के लिए कि इनसे आप ये पूछिए कि ये हमें ये बताए कि एक तरफ तो स्वामित्व स्कीम लाते हैं ये, कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये सर्वे कराएंगे और जो ग्रामीण लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको प्लॉट देंगे और उसका स्वामित्व अधिकार भी दिया जाएगा, दूसरी तरफ सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए अतिक्रमण करे हुए दलित किसान परिवारों को ये हटा रहे थे, इनकी पुलिस उन्हें डंडे मार मार के हटा रही थी। और ऐसा ही एक परिवार, किसान परिवार जो दलित है, उनके बच्चे बिलख रहे थे क्योंकि उनके माता पिता को जब हटाने की कोशिश करी जा रही थी तो उन्होंने वहाँ कीटनाशक जो पड़ा हुआ था उसको खा लिया। इस कीटनाशक को खाने की वजह से इस वक्त जो महिला है उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में है, जी हाँ, सरकारी अस्पताल में।
और वहाँ के एसएसपी और डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर की वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, डबल इंजन में से एक भी इंजन काम नहीं कर रहा, देख लिया आपने। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस दलित परिवार को हटाने के लिए पुलिस फोर्स ने ज़बरदस्ती कैसे करी, डंडे क्यों मारे, लाते क्यों मारी? क्या पुलिस को अधिकार है लाते मारने का? नहीं। जुडिशियल ट्रायल होता है ना, मतलब कोई भी अपराधी है उसे पकड़ के आप ले जाते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट का काम होता है ये देखना कि उसने गलत किया सही किया, उसे सजा देना नहीं देना। पुलिस का काम होता है तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश करना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप खुश होते हैं इस बात से कि पुलिस जो है वो एनकाउंटर कर देती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर गोबर भूसा भरा हुआ है। और ये समझ लीजिए कि जैसे आज इस दलित परिवार के साथ हुआ, आज आवाज़ इनके लिए नहीं उठाएंगे तो कल को ये आपके साथ भी होगा। आपको मालूम है कि विकास दुबे वाला मैटर क्या है, उसमें नहीं जाऊंगी, मगर साथ में आपको एक और मैटर है कानपुर का ही, कानपुर का ही केस है ना विकास दुबे का, दूसरा मैटर आपको बताती हूँ। दूसरा मैटर जो है वो कानपुर में एक बेटी का मैटर है जिसके भाई का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं को बेटी ने 30 लाख रुपए घर बेचकर, अपने शादी के लिए इकट्ठे किए हुए जेवर बेचकर जो पैसा इकट्ठा हुआ वो दिया। क्यों दिया? क्योंकि पुलिस ने उसे कहा। उसके बाद पुलिस ने उसे कहा, क्राइम ब्रांच के पुलिस ने कहा कि वो ऐसा ना बोले। वहाँ की एसपी अपर्णा के पास जब ये बेटी गई तो उस महिला एसपी अपर्णा ने उसे डांटा, झिड़क दिया कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो बार बार उसके पास क्यों आती है। बेशर्मी की हद है अपर्णा एसपी की, उसे शर्म नहीं आई। किसी का भाई अगर उसका अपहरण हो गया है तो ये छोटी सी बात लग रही है आपको? तमीज़ नहीं आपको? आपने पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन करी कि आपके पास, आप लोगों को ये समझना चाहिए। और मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ, ये आपका अधिकार है कि आप अधिकारियों के पास जाए अपनी समस्याओं को लेकर और वे आपको समाधान दें। वो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आपको डांटे या आपको झिड़के, वो आपके नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? उन्होंने चूज़ किया, ये उनकी अपनी निजी चॉइस है कि वो इस सर्विस में आए हैं आपकी सेवा करने के लिए, देश की सेवा इसे कहते हैं। मगर देश की सेवा करने में और भ्रष्टाचार को फैलाने में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क जो है हमें मिटाना है, और हमें इनसे देश की सेवा करानी है, लोगों की सेवा करानी है। लोक सेवा आयोग नाम होता है जिसके माध्यम से इनका चयन होता है, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए ये आयोग बनाया गया है, और इन लोगों का चयन लोगों की सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए होता है, ये आप मत भूलिएगा। इनको एहसास दिलाना आपका काम है। ये मत सोचिए कि आपके पास शक्ति नहीं है, आप ही के पास पूरी शक्ति है, क्योंकि आप ही भारत है, आप भारत के नागरिक, आप ही भारत है, क्योंकि ये संविधान ने हमें इस देश का अधिकार दिया है कि हम इस देश के मालिक हैं। मालिक किस तरीके से हैं? हमारे कुछ कर्तव्य हैं, ना सिर्फ अधिकार है कर्तव्य भी हैं। तो इसे भी अपना कर्तव्य माने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए और भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। उसके बाद चलती हूँ, इस बेटी के साथ जो हुआ, मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आ गई। अब बिहार के बारे में बता दूँ, बिहार में एक पुल जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया, ठीक है, और 16 जून को ये उन्होंने किया, और सतपुली का पुल जो है ये 29 दिनों में ढह गया। जी हाँ, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पुल बना था इसको बनने में कितना समय लगा, 8 वर्ष लगे इस पुल को बनाने के लिए, और 8 साल में जानते हैं कितना पैसा लगा? 264 करोड़ की लागत आई इस गोपालगंज के सत्तर घाट पुल को बनाने में, सतपुली नहीं, सत्तर घाट पुल, और 29 दिन
हुए नहीं, इसके उद्घाटन किए हुए, उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। भ्रष्टाचार नहीं है, देख रहे हैं आप, ये है डबल इंजन की सरकार। उधर असम में भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत बुरी स्थिति है, बाढ़ आ रखी है, हम सबको उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और इसके बारे में बोलते रहने की ज़रूरत है ताकि सरकार कुछ करे, वरना कोरोना के बहाने जो इनके जी में आ रहा है ये वो कर रहे हैं, कहीं सरकार गिराना, कहीं पार्टी तोड़ना, यही काम में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमने इस बात को बोलना शुरू कर दिया तो इनके ऊपर ये दबाव रहेगा कि ये इस काम को करें। अगर आपने आज इस काम को नहीं किया तो ये काम नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको ये अब आपकी जिम्मेदारी है, या आपको खुद सोचना है कि अपनी देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि देश में कोरोना के केसेस 10 लाख के पार हो गए हैं और ये कोरोना सरकार जो है ये बता रही थी कि क्या कहा था इन्होंने, दूसरे देश जब संभाल नहीं पाए उनके इतने केस हो गए। अब ये कंपटीशन तो नहीं हो रहा, अब ये अमेरिका के पार तो नहीं ले जाएंगे देश को। मैंने बताया ना आपको कि अगर ये अमेरिका के पार ले जाने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में 36,82,000 क्रॉस कर चुके हैं अमेरिका में। ब्राज़ील 19-20 लाख के आसपास है और हम 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी कि अब हमारे सामने केवल ब्राज़ील और अमेरिका रह गया है। पहले चौथे में थे, अब तीसरे में आ गए, अब भगवान ना करे कि दूसरे में आए। खैर, सरकार तो जो करेगी सो करेगी। बहुत सारे लोग बहुत भ्रमित भी कर रहे हैं, फेसबुक पे मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी शायद इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होती होगी, हर एक की इम्यूनिटी सिस्टम ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी होती होगी, तो मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा खुद करें, आप लोग सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने ये कपड़े के जो मास्क है इनका इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें इसको आप चेक कैसे करेंगे, इसको अगर आप लगाते हैं, सपोजिंग आपने लगाया है ना, तो ये फैशन मत करिए, इसको ऐसे मत लटका के रखिए, इसको ऐसे रखिए, ठीक है, नाक के ऊपर तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप बाहर जाए तो आँख में हाथ नहीं डाले जब तक हाथ सैनिटाइज ना हो। उसके अलावा इसको अगर आप ऐसे भी रखते हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाक के माध्यम से ये जा सकता है, और मुंह ऐसे रखेंगे तो मतलब फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो है, आप इस तरह के मास्क, हाँ ये तो आपदा में अवसर है, बहुत सारे लोग बहुत महंगा भी बेच रहे हैं, मगर मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि बहुत महंगा ना बेचें, क्योंकि ये तो मास्क बल्क में ये बिक ही रहे हैं, और कुछ बड़े डिज़ाइनर टाइप के भी मास्क आए हैं जो मास्क लगाओ और उसको पूरा गले में वो लिपट जाता है स्कार्फ की तरह। खैर, मैं आपसे यही कहूँगी कि मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हल्के में मत लीजिए, बहुत सीरियस मैटर है, हल्के में मत लीजिए। बीमारी ऐसी चीज़ होती है, एक बार आ जाए तो फिर उसके बारे में सोचना कि काश हमने ऐसा किया होता, वो सेंसिबल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि मौसम देहरादून में बहुत जल्दी बदलता है, अभी अप्रैल के महीने में मौसम बदला और मुझे सर्दी खांसी हो गई, और मेरे डॉक्टर जो हैं उन्होंने मुझे 5 दिन की एंटीबायोटिक दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, और एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। खैर, चोरी छुपे मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, मगर उसके बाद आपको मैं जो ये बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कमाल की बात है। मैं उनको कह रही थी कि मेरे साइनस की प्रॉब्लम, मेरा कान ब्लॉक्ड है और ये काफ़ी टाइम से है, जो पिछली बार मेरे को दिसंबर में ज़ुकाम हुआ था, दिसंबर में और फिर फरवरी में, तब से मेरा कान बंद है, तो वो साइनस की वजह से। जानते हैं आप, उन्होंने कहा, अब की बार उन्होंने कहा कि दवाई नहीं मिलेगी एंटीबायोटिक, उन्होंने कहा स्टीम लीजिए, तो मैंने इतना स्टीम लिया कि मेरा गला तक सूख रहा था। इलेक्ट्रॉल लीजिए ऐसे टाइम पर, पानी खूब सारा पीजिए, और इस कान से जो कान बंद था वो धीरे धीरे करके खुलना भी शुरू हुआ, मगर बहुत टाइम लगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम एंटीबायोटिक्स खाते तो हैं मगर उससे इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है, मगर वो परमानेंट रिलीफ नहीं होती, मतलब वो सब कुछ सुखा देती है मगर वो क्लियर नहीं करती है। इसलिए मैं तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि मेरा कान वान से साइनसिस खुलने से लग गया, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ,
मगर कोई दवाई नहीं। मैं नींबू का जो शिकंजी होती है, नमकीन शिकंजी, सुबह के टाइम पे नमकीन भी नहीं, मैं उसमें अदरक और काली मिर्च और नींबू गुनगुने पानी में लेती हूँ, थोड़ा सा शहद उसके बाद ले लेती हूँ, ये लेती हूँ। काढ़ा ज़रूर लेती हूँ। काढ़े में आप जानते हैं कि काढ़े में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग भी इन चीज़ों का पालन करें। और जैसे ही क्योंकि बरसात का मौसम आया है, आप लोग स्टीम लीजिए, पानी में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एक डेगचा लीजिए उसमें पानी उबालिए और एक तौलिए से अपने सिर को ढककर उसको इनहेल करिए, उसको आप सांस लीजिए तो वो आपके अंदर जाएगा, तो जितना भी हार्ड म्यूकस होगा, मतलब जो सख्त म्यूकस होगा वो निकलेगा आपके अंदर से और आपको अच्छा सा भी लगेगा। थोड़ी सी सैर करिए, बाहर जाने का नहीं है इसलिए मैं अपने घर में ही घूमती रहती हूँ, वो सैर करती रहती हूँ। और मेरा टारगेट रहता है कि मैं कम से कम 10,000 स्टेप्स, मतलब 10,000 कदम ज़रूर चलूँ। नहीं हो पाता, कभी कभी सिर्फ 6,000 कदम होते, कभी सिर्फ 4,000 भी हुए हैं और कभी नहीं भी हुए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करिए कि होती रहे। आजकल बारिश है, बाहर फिसलन हो रखी है तो नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी चीज़ों का आप पालन करिए। विटामिन सी आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ये सब खाइए और अपनी देखभाल खुद करिए। रत्नेश्वर शुक्ला जी कह रहे हैं 20 भी पार करेगा, अदूरदर्शिता पूर्ण नेतृत्व दुखद। ये बात आप सही कह रहे हैं और मुझे भी इसी बात का दुख है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिनके अंदर दूरदर्शिता की कमी दिख रही है। तो साथियों, हमें आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और इस लड़ाई को सकारात्मक सोच रखें, और इस वक्त हमें सबको सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। बीच बीच में अगर तबीयत खराब हो तो एकदम से एंटीबायोटिक मत लीजिए। आप विटामिन्स होते हैं फलों में, हरी सब्जियों में, मगर कोशिश करिए कि पकी चीज़ों को खाइए, कच्ची सब्जियां बहुत ज़्यादा मत खाइए और खाना जो है वो फ्रेश खाइए। खैर, आपसे इतनी बात हो गई है कोरोना काल में और चिंता है, अपनी देखभाल करिएगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करिएगा। ये देश आपका है, ये देश मेरा है, सरकार भले ही किसी भी दल की हो लेकिन देश आपका और मेरा, और सरकार भी आपकी और मेरी होती है, इसलिए कर्तव्य को निभाइए और सरकार को बताइए कि क्या गलत आपको लगता है हो रहा है, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। जो गलतियां हो जाती है उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और चीन के बारे में फिर कल बात करूंगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बाक है, खुश रहिए, अपनी देखभाल करिए, सावधानी बरतिए। दोबारा मुलाकात होगी, नमस्कार।